नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम नाभिकीय ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। या किसी भी परमाणुओं के आपस में मिलने या विखंडन होने के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है कि नाभिकीय ऊर्जा अर्थात नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं कि इनके प्रकार। तो इनके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन क्या है दोस्तों, कि जब दो परमाणु आपस में मिलकर एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन। कहने का मतलब जब दो परमाणु आपस में मिलकर के एक नए परमाणु का उत्पन्न करते हैं तब उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसके बाद यदि हम नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन में क्या है, इसकी परिभाषा होती है कि जब भारी परमाणु में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो छोटे छोटे परमाणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में परमाणु आपस में जुड़ते हैं और नाभिकीय विखंडन में परमाणु आपस में टूटते हैं। यानी जुड़ने के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं और टूटने के फलस्वरूप जो उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो अणु आपस में हम जोड़े तो हीलियम का अणु मिला और एक न्यूट्रॉन क्या हुआ, अलग हुआ तथा भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इससे आधारित हाइड्रोजन बम बनाया जाता है और सूर्य की जो प्रक्रिया होती है उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया ही होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बम की यदि हम खोज की बात करें तो इसकी खोज एडवर्ड टेलर ने किया था और सन 1952 में। वेरी इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर और सन 1952। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के बारे में परिभाषा हम बता चुके हैं कि जब भारी तत्व में एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये छोटे छोटे अणुओं परमाणु विखंडित हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इस प्रकार की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ये दो प्रकार से होते हैं, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित का मतलब होता है जिसे नियंत्रण किया जा सकता है और अनियंत्रित का मतलब जिसे नियंत्रण नहीं किया जाता। जैसे परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसमें हम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जब इसमें हल्के एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो तीन न्यूट्रॉन मिलते हैं, इनमें से दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः एक न्यूट्रॉन पुनः बमबारी की जाती है, पुनः दो न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है तो यह प्रक्रिया नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत आता है। और अनियंत्रित का मतलब होता है एक न्यूट्रॉन की बमबारी की, इसके बाद तीन न्यूट्रॉन निकले और ये पुनः तीन न्यूट्रॉनों को पुनः उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से 3 * 9 = 27 और यह क्रम चलता रहेगा और इस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। मतलब इसको नियंत्रण नहीं किया जाता और इस प्रकार के तथ्य के आधार पर ही परमाणु बम बनाया जाता है। और परमाणु बम की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ओपन होमर ने परमाणु बम की खोज किए थे। इसके बाद हम बात करें इस परमाणु बम का सर्वप्रथम अमेरिका ने प्रयोग किया था जापान के लिए तो 6 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में और 9 अगस्त 1945 में। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा में और जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया था जिसका नाम था फैट मैन। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। कहने का मतलब इसमें हमने बताया कि तीन न्यूट्रॉन जब निकलते हैं उनमें से दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः एक न्यूट्रॉन जो भारी तत्वों में क्या होता है, बमबारी होता है और जिससे पुनः तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस प्रकार से पुनः दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है और यह क्रम चलता रहता है और इसी क्रम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले दुनिया की बात करें, विश्व में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया, तो रूस में बनाया गया और दूसरा परमाणु रिएक्टर यूएसए मतलब अमेरिका में। अब यदि बात करें परमाणु रिएक्टर में किस
तत्व का प्रयोग किया जाता है तो उसमें यूरेनियम और प्लूटेनियम में, इन्हीं पर ही न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और यदि हम इसकी मंदा की बात करें कि इसकी क्रिया को कम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो यह भारी जल और ग्रेफाइट। इसके बाद यदि नियंत्रण, नियंत्रण मतलब नियंत्रक का कार्य करता है, उसमें एक क्षण का प्रयोग होता है, वो किस क्षण का प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम का क्षण, नियंत्रक के रूप में कैडमियम का क्षण, तथा शीतलक के रूप में यानी ठंडक बनाए रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम का द्रवित द्रव ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से यदि कहा जाए मंदक भारी जल ग्रेफाइट, और नियंत्रक के रूप में कैडमियम का क्षण, शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का द्रवित रूप। इस प्रकार दोस्तों परमाणु रिएक्टर संबंधित भी तथ्य इसमें ऐड किया हमने। तो यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट, और यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।